अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन दलित शोषण मुक्ति मंच एवं उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में एक दर्जन मांगों को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। तीनों संगठनों के पदाधिकारी संयुक्त रूप से संगठन के बैनर तले नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए और जिलाधिकारी को संयुक्त ज्ञापन पेश किया। इस दौरान कहा गया कि दलितों एवं महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने, दलित एवं महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने, दलितों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने, मनरेगा के बजट को 2 लाख करोड़ रुपए किए जाने और खेत मजदूरों को एक वर्ष में 200 दिन काम एवं 600 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दिए जाने सहित 12 सूत्रीय मांगों को हल किए जाने पर जोर दिया गया है। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंत्री कामरेड थान सिंह ने बताया। थान सिंह जी, आप जो आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, दो मुद्दों पर आज का ज्ञापन है। एक तो दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न से इतने अत्याचार उत्तर प्रदेश में कम से कम बढ़ रहे हैं, उनका ग्राफ और प्रांतों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर है। दलितों और महिलाओं को उत्पीड़न के मामले में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ किसी को गोली से ना उतारा जा रहा हो, किसी लड़की का बलात्कार ना हो रहा हो, किसी हत्या ना हो रही हो। आकर उसका कारण हमारे सामने है, क्या न्याय मिला उसको? सारे बलात्कारी, बलात्कार को कह दिया तो हुआ ही नहीं, और 3 लोग छोड़ दिए गए। एक है वो, उसको मैं नहीं समझता हूँ, जब तक देश चलेगा उसका क्या अंजाम होगा। तो ऐसे हमारी मांग है खेत मजदूर यूनियन की ओर से, खेत मजदूर यूनियन की ओर से और दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से। हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दलितों के महिलाओं के जीवन की सुरक्षा दी जाए। दूसरा मुद्दा है महंगाई के लिए, जिस तरह की पेट्रोलियम कीमतों में रोटी के कीमतों में बहुत वृद्धि है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो बड़ा शर्मिंदा करने वाला मामला है कि हम चाहते हैं कि उसको जो कीमतें बढ़ाई हैं रसोई गैस पे अभी और पेट्रोलियम पे, उसको कम करें। इस मौके पर चंद्रपाल सिंह, आजाद विक्रम सिंह, कामरेड कासिम अली, नाजिम अली, रामचरण त्रिपाठी, महेपाल सिंह एडवोकेट, सुशील कुमार विश्नोई एडवोकेट, कामरेड शरीफ अहमद, पीडी शर्मा, सुनील सक्सेना एवं कामरेड शहाबुद्दीन सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।